हेलो बच्चों, वेलकम टू कोचिंग क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 साइकोलॉजी में। इसका नाम है मेथड्स ऑफ इंक्वायरी। इसका क्या नाम है? मेथड्स ऑफ इंक्वायरी इन साइकोलॉजी। इसका मतलब क्या होता है कि साइकोलॉजी में क्या कहते हैं कि जो हम इंक्वायरी कर रहे होंगे उसके क्या क्या मेथड्स, ठीक है, उसके क्या क्या मेथड्स होंगे, हमें ये सारी चीजें सीख रहे हैं। इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? एक्सप्लेन द गोल्स एंड द नेचर ऑफ साइकोलॉजिकल इंक्वायरी। साइकोलॉजिकल इंक्वायरी होता है उसका नेचर कैसा है, हाँ, साइकोलॉजिकल इंक्वायरी का नेचर कैसा है, और कुछ टाइप्स, अलग अलग टाइप्स ऑफ डेटा यूज्ड बाई साइकोलॉजिस्ट, जो साइकोलॉजिस्ट कैसे कैसे डेटा यूज करते हैं उसको समझने, और साथ में डिस्क्राइब द सम इम्पोर्टेंट मेथड्स ऑफ साइकोलॉजिकल इंक्वायरी। मेथड्स पढ़ेंगे, साइकोलॉजिकल इंक्वायरी की मेथड्स पढ़ेंगे। अंडरस्टैंड द मेथड्स ऑफ एनालाइजिंग डाटा, डेटा को एनालाइज कैसे करते हैं इसको समझ, और साथ में लिमिटेशंस ऑफ ना साइकोलॉजिकल इंक्वायरी के लिमिटेशंस ऑफ एथिकल कंसिडरेशन क्या क्या है, वो सारी चीजें हमें पढ़नी है, ठीक है। यहाँ तक तो हमें समझ आ गया कि पढ़ना क्या है। अब स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो अब हम इस चैप्टर में यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि साइकोलॉजिकल इंक्वायरी क्यों होती है, ठीक है, या साइकोलॉजिकल इंक्वायरी क्या होती है। तो देखो यहाँ पे समझते हैं सबसे पहले कि लाइक एनी साइंटिफिक रिसर्च, जैसा भी कोई भी साइंटिफिक रिसर्च हो वैसे ही साइकोलॉजिकल इंक्वायरी का गोल्स क्या क्या है, साइकोलॉजिकल इंक्वायरी के गोल्स क्या क्या है। तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा गोल्स ऑफ साइकोलॉजिकल इंक्वायरी। सबसे पहला टॉपिक ही हमारा यही है, गोल्स ऑफ साइकोलॉजिकल इंक्वायरी। क्या क्या गोल्स हैं? सबसे पहला गोल यही है कि डिस्क्रिप्शंस क्या है, सबसे पहला गोल डिस्क्रिप्शन। सेकेंड गोल क्या है? प्रडिक्शन, ठीक है। तीसरा गोल क्या है? एक्सप्लेनेशन। चौथा गोल क्या है? कंट्रोल ऑफ बिहेवियर। कंट्रोल ऑफ बिहेवियर। और पांचवा गोल क्या है? पांचवा गोल है एप्लीकेशन ऑफ नॉर्म्स। एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, ठीक है। अब क्या कहते हैं कि इन सबको क्या कहते हैं कि ये हमारा गोल है कि इन सबको हम करें एक किस में, ऑब्जेक्टिव में, किस में करें कि क्या कहते हैं कि इन एन ऑब्जेक्टिव में, ओके। ये सारे गोल्स हैं, क्या कहते हैं कि इनको हम अपने एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, ये सारी चीजें जितना भी है, चाहे वो डिस्क्रिप्टर हो, चाहे वो प्रिडिक्शन हो, चाहे एक्सप्लेनेशन, एक ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। जब आपसे पूछा जाएगा कि साइकोलॉजिकल रिसर्च क्यों किया जाता है, साइकोलॉजिकल रिसर्च क्यों किया जाता है, तो आप ऐसे बता सकते हो, हाँ, साइकोलॉजिकल रिसर्च इज कंडक्टेड फॉर द पर्पज ऑफ, क्यों किया जा रहा है, फॉर द पर्पज ऑफ, क्या ये 6 गोल्स लिख दो, फॉर द पर्पज ऑफ डिस्क्रिप्शन प्रडिक्शन एक्सप्लेनेशन, ये 6 गोल्स, एक्सप्लेनेशन, कंट्रोल ऑफ बिहेवियर, कंट्रोल ऑफ बिहेवियर, एंड एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज। इन एंड ऑब्जेक्टिव,
ठीक है, तो इसी को बोल दिया हम लोग, ये कहते हैं क्यों हम करना चाहें, क्यों हम करना चाहें, ठीक है, इतना बात समझ में आएगी सुनिए। साइकोलॉजिकल रीजंस हम क्यों करना चाह रहे हैं, ये पहला चीज तो हमारे समझ में आएगी, साइकोलॉजिकल मिसलीडिंग, ठीक है, साइकोलॉजिकल करने का मेन कारण क्या है, ये छह गोल्स है। और साथ में ये भी ध्यान रखना है कि जो साइकोलॉजिकल रिसर्च होता है वो क्या क्या इंक्लूड करता है। इट इन्वॉल्व्स फॉलोइंग फोर स्टेप्स। इसमें कौन कौन से चार स्टेप्स हैं? सबसे पहला स्टेप है कंसेप्चुलाइजेशन ऑफ अ प्रॉब्लम। जो भी साइकोलॉजिकल रिसर्च होता है उस साइकोलॉजिकल रिसर्च में, हर साइकोलॉजिकल रिसर्च में चार स्टेप्स होते हैं। क्या मैंने क्या लिखा, फिर साइकोलॉजिकल रिसर्च में कितने स्टेप्स होते हैं? चार लिखा, चार स्टेप्स में, ठीक है, तो कौन कौन से चार स्टेप्स हैं? सबसे पहला स्टेप है कॉन्सेप्चुलाइजिंग अ प्रॉब्लम, कॉन्सेप्चुअलाइजिंग अ प्रॉब्लम। पहला स्टेप यही है कि प्रॉब्लम को क्या करो, कॉन्सेप्चुअलाइज करो। सेकेंड स्टेप क्या है? कलेक्शन ऑफ डेटा। सेकेंड स्टेप में डेटा को कलेक्ट करो। तीसरे स्टेप में क्या करेंगे? तीसरे स्टेप में क्या करेंगे? एनालाइज करेंगे। जब डेटा को कलेक्ट करेंगे तो क्या करेंगे? एनालाइज भी डेटा, ठीक है, एनालाइजिंग डेटा। जब डेटा को कलेक्ट करने के बाद में फिर क्या किया जाता है? एनालाइज करने के बाद क्या किया जाता है? कंक्लूजन निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है? कंक्लूजन, ड्राइंग ड्राइंग एंड रिवाइजिंग रिसर्च। रिसर्च कंक्लूजन, कंक्लूजन पे पहुंचे, ठीक है। तो ये चार स्टेप्स होते हैं, ये चार स्टेप्स हैं रिसर्च, हर एक साइकोलॉजिकल रिसर्च के ये चार स्टेप। तो ये क्या है? स्टेप्स और साइकोलॉजिकल रिसर्च। एक साइकोलॉजिकल रिसर्च में ये चार होते हैं, ठीक है। यहाँ तक बात तो समझ में आ गई कि साइकोलॉजिकल रिसर्च में कौन कौन से स्टेप्स हैं, ये भी बात है। कभी कभी क्या किया जाता है कि कभी कभी क्या किया जाता है कि साइकोलॉजिकल रिसर्च को इसलिए भी किया जाता है ताकि ये समझा जा सके कि क्या है, किसी भी इवेंट का होने का कारण क्या था, ये सारी चीजें हम समझ, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने बता दिया कि गोल्स ऑफ साइकोलॉजिकल इंक्वायरी में सबसे पहले हमने बताया कि ये छह गोल्स हैं, डिस्क्रिप्शन, प्रिडिक्शन, एक्सप्लेनेशन, कंट्रोल ऑफ बिहेवियर एंड एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, ठीक है। एक दो तीन चार पांच, सॉरी पांच गोल्स हैं, इन पांच गोल्स को हमें ध्यान रखना, ठीक है। सबसे पहला आता है डिस्क्रिप्शन। इन अ साइकोलॉजिकल स्टडी वी अटेम्प्ट टू डिस्क्राइब द बिहेवियर और द फेनोमेनन ऑफ एक्यूरेटली एज एज पॉसिबल। यानी कि अगर मैं इन छह पॉइंट्स को अगर मैं एक्सप्लेन करूँ, ये जो ऊपर के जो छह पॉइंट लिखे हैं, तो मैं इसमें ये सारी चीजें लिख सकता हूँ कि डिस्क्रिप्शन में क्या क्या चीजें होंगी। डिस्क्रिप्शन में ऐसे थोड़ा सा ऐसा लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि एक साइकोलॉजिकल स्टडी में, एक साइकोलॉजिकल स्टडी जो होती है, इन अ साइकोलॉजिकल स्टडी वी अटेम्प्ट टू डिस्क्राइब द बिहेवियर और फिनोमिनन एज एक्यूरेटली एज पॉसिबल। हमें क्या करना पड़ता है? हम किसी भी बिहेवियर को या किसी भी फिनोमिनन को क्या करना पड़ता है? डिस्क्राइब करना पड़ता है। तो सबसे पहला चीज आ गया कि किसी भी फिनोमिनन को या किसी भी बिहेवियर को हमें क्या करना पड़ता है? डिस्क्राइब करना। ओके, दिस हेल्प्स इन द डिस्टिंग्विशिंग अ पर्टिकुलर बिहेवियर फ्रॉम अदर बिहेवियर। जब हम क्या करते हैं कि डिस्क्रिप्शन देते हैं, किसी भी बिहेवियर का डिस्क्रिप्शन देते हैं, तो उनको हम क्या कर सकते हैं कि बाकी बिहेवियर से या बाकी किसी के फिनोमेनन से अलग करते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल द रिसर्चर्स में इंटरेस्टेड इन ऑब्जर्विंग द स्टडी हैबिट्स ऑफ एमंग स्टूडेंट्स। अगर देखा जाए तो अलग-अलग बच्चों की स्टडी हैबिट्स कैसे हैं उसको अगर देख रहे हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा? एक एक बिहेवियर का डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा, एक एक बिहेवियर को क्या करना पड़ेगा? डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा। ओके, ठीक है। स्टडी हैबिट्स में कंसिस्ट ऑफ डाइवर्स रेंज ऑफ बिहेवियर। तो देखो स्टडी हैबिट्स में क्या होता है, अलग अलग, ठीक है।
जैसे अब कोई देख रहा है कि कोई कुछ बच्चे होते हैं जो अपने सारे के सारे क्लासेस रेगुलरली अटेंड कर रहे हैं, अपने असाइनमेंट्स समय पे जमा कर रहे हैं कि नहीं जमा कर रहे हैं, क्या वो हाँ अपना उस स्टडी शेड्यूल को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं फॉलो कर रहे हैं, क्या वो अपने की कहते हैं कि हाँ वही अकॉर्डिंग टू शेड्यूल पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं, वो अपने वर्क को रिवाइज कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ऐसे बहुत सारे अलग अलग बिहेवियर होते हैं। इसके बेसिस पे हम समझ सकते हैं कि क्यों हमें, हाँ ठीक है इतना बात समझे कि डिस्क्रिप्शन में क्या क्या चाहिए। द डिस्क्रिप्शन रिक्वायर्स रिकॉर्डिंग ऑफ पर्टिकुलर बिहेवियर विच हेल्प्स इन प्रॉपर अंडरस्टैंड। जो डिस्क्रिप्शन होता है वो क्या होता है, किसी पर्टिकुलर बिहेवियर को रिकॉर्ड करता है, हम किसी भी पर्टिकुलर बिहेवियर को रिकॉर्ड करता है जो क्या कहते हैं कि सहायता करता है, जो सहायता करता है प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, तो पहला गोल जो था, पहला गोल क्या था, डिस्क्रिप्शन था। याद करो सबसे पहला गोल क्या था, डिस्क्रिप्शन था, सबसे पहला गोल था डिस्क्रिप्शन। और डिस्क्रिप्शन में हमने बताया कि हमें डिस्क्रिप्शन की जरूरत क्यों है, हमें जरूरत इसलिए क्यों इन साइकोलॉजिकल इंक्वायरी वी अटेम्प्ट टू डिस्क्राइब अभी और अफिनोमेन एक्यूरेटली एज पॉसिबल, जितना पॉसिबल हो सकता है उतना हम इसको एक्यूरेटली। फिर सेकेंड पॉइंट इसमें क्या लिख देंगे डिस्क्रिप्शन में, कि द डिस्क्रिप्शन रिक्वायर्स रिकॉर्डिंग। डिस्क्रिप्शन में क्या होता है, रिकॉर्ड करना पड़ता पर्टिकुलर बिहेवियर, पर्टिकुलर बिहेवियर कौन क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। विच हेल्प्स इन प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग। सेकेंड गोल क्या था, प्रिडिक्शन। सेकेंड गोल क्या है, प्रिडिक्शन। ठीक है, नेक्स्ट गोल पे हम फोकस करें तो प्रिडिक्शन की बात करें, तो प्रिडिक्शन में देखते हैं तो सेकेंड गोल क्या है हमारा, प्रिडिक्शन फर्स्ट। द सेकेंड गोल ऑफ साइंटिफिक इंक्वायरी इन इज द प्रेडिक्शन ऑफ बिहेवियर। जो सेकेंड गोल होता है क्या होता है, प्रेडिक्शन ऑफ बिहेवियर। इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड एंड डिस्क्राइब द बिहेवियर एक्यूरेटली, यू कम टू नो द रिलेशनशिप ऑफ अ पर्टिकुलर बिहेवियर विद अदर टाइप्स ऑफ बिहेवियर इवेंट्स एंड फेनोमेना। अगर अगर आपने किसी एक बिहेवियर को सही से समझ लिया, आप उसको डिस्क्राइब कर लेंगे, अगर आप पहले एक फिनोमिनन को या किसी भी बिहेवियर को बढ़िया से समझ लिए, उसको डिस्क्राइब कर सकते, तो आपको पता चल जाएगा कि उसका दूसरे बिहेवियर के साथ में क्या रिलेशन, उसका दूसरे बिहेवियर के साथ में क्या रिलेशन है या दूसरे इवेंट के साथ में क्या रिलेशन। यू कैन देन फोरकास्ट द दैट अंडर सर्टेन कंडीशन दिस पर्टिकुलर बिहेवियर में अगर विद इन अ सर्टेन मार्जिन ऑफ एरर, आपको ये भी पता चल जाएगा कि क्या क्या एरर हो सकता है, क्या क्या नहीं हो, हाँ क्या क्या एरर हो सकता है, क्या क्या नहीं हो सकता, ये सारी बातें आपको पता चल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल ऑन द बेसिस ऑफ स्टडी अ रिसर्चर इज एबल टू एस्टैब्लिश अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन अमाउंट ऑफ स्टडी टाइम एंड अचीवमेंट इन द डिफरेंट स्टडी। अब उसको पता है कि अगर मान लो कि बच्चा जितना देर तक पढ़ रहा है, जितना देर तक पढ़ रहा है उसका उतना ही क्या हो गया, अचीवमेंट कितना ज्यादा बढ़ रहा है या कम हो रहा है, ये सारी चीजें आपको पता चल सकती है। लेकिन आप जब किसी एक बिहेवियर को अच्छे से पढ़ लोगे तो उसका दूसरे के साथ में क्या कर सकते हो, रिलेशन निकाल सकते हो, उसका दूसरे के साथ में क्या कर सकते हो, एक उसका दूसरे के साथ में एक क्या कहते हैं कि रिलेशन के साथ साथ में उसका भी हो क्या कहते हैं कि हाँ, तो बिहेवियर के बीच में आपस में रिलेशनशिप बना सकते हो और प्रेडिक्ट कर सकते हो कि आगे क्या चीजें हो। ठीक है, हम यहाँ पे प्रेडिक्ट करते हैं, यू कैन प्रेडिक्ट दैट चाइल्ड इज अनलाइकली टू गेट गुड मार्क्स इन द एग्जाम्स, जितना ज्यादा वो पढ़ रहा होगा
हम बता सकते हैं कि वो बच्चा ज्यादा अच्छे से एग्जाम ला सकता है, मतलब मार्क्स ला सकता है। ठीक है, प्रिडिक्शन बिकम्स मोर एक्यूरेट विद इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ पर्संस ऑब्जर्व। जितना प्रिडिक्शन कितना सही होता जाता है, जितना अच्छा ज्यादा चल ज्यादा जाता है। तो अब जब मैं बात करता हूँ प्रिडिक्शन, जब मैं बात करता हूँ तो हम बता देंगे कि ये क्या होता है। इट इज सेकेंड गोल ऑफ साइंटिफिक या साइकोलॉजिकल इंक्वायरी। ये क्या है? सेकेंड गोल है साइकोलॉजिकल। साइकोलॉजिकल इंक्वायरी के सेकेंड गोल। फिर दूसरा चीज क्या होता है कि इट हेल्प्स अस या साइकोलॉजिकल इंक्वायरी। हेल्प्स अस टू प्रेडिक्ट दी बिहेवियर और फिनोमिनन। क्या कुछ बिहेवियर या फिनोमिनन को भी फिनोमिनन ऑन द बेसिस ऑफ साइज फिनोमिनन ऑन द बेसिस ऑफ सम ऑन द बेसिस ऑफ सम रिलेटेड बिहेवियर। कुछ रिलेटेड बिहेवियर के बेसिस, कुछ रिलेटेड बिहेवियर के बेसिस पे हम क्या बता सकते हैं कि क्या अगला कौन सा बिहेवियर अब हो सकता है, नेक्स्ट बिहेवियर क्या हो सकता है, ये सारी चीजें हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है, जैसे एक बच्चे ने कितना ज्यादा पढ़ा है उससे पता चल जाएगा उसके कितने अच्छे मार्क्स आने वाले हैं, ये सारी। ठीक है, तीसरा चीज यहाँ पे ध्यान रखना है, प्रेडिक्शन को हम इंक्रीज कैसे कर सकते हैं। प्रेडिक्शन बिकम मोर एक्यूरेट। प्रिडिक्शन कब एक्यूरेट होता चला जाता है? मोर एक्यूरेट विद इंक्रीजिंग नंबर ऑफ पर्संस ऑब्जर्व। कितने लोगों को ऑब्जर्व किया गया, कितने लोगों को ऑब्जर्व किया जा रहा है, इस बेसिस पे हम प्रिडिक्शन को बढ़ा सकते। अब थर्ड गोल जो होता है वो क्या होता है, एक्सप्लेनेशन। थर्ड गोल क्या है? एक्सप्लेनेशन। थर्ड गोल ऑफ साइकोलॉजिकल इंक्वायरी टू नो द कैजुअल फैक्टर्स और डिटरमिनेंट्स ऑफ द बिहेवियर। एक्सप्लेनेशन क्या बताता है कि क्या क्या कारण है, क्या क्या कारण है और उसके क्या क्या किसी पर्टिकुलर बिहेवियर के डिटरमिनेंट्स हैं, कोई भी बिहेवियर क्यों हो रहा है ये समझ, कोई भी बिहेवियर क्यों हो रहा है। साइकोलॉजिस्ट आर प्राइमरली इंटरेस्टेड इन नोइंग द फैक्टर्स दैट मेक बिहेवियर। उन फैक्टर्स को जानना चाहते हैं जिसकी वजह से बिहेवियर कोई भी अकर हुआ है, उस फैक्टर्स को जानना चाहते हैं जिसकी वजह से कोई भी बिहेवियर अकर हुआ है। ऑल्सो वॉट आर द कंडीशन अंडर विच पर्टिकुलर बिहेवियर डज नॉट, ये भी समझना है उनको कि कब कोई भी बिहेवियर होता है और कौन सा कोई भी बिहेवियर कब नहीं होता। हाँ ठीक है, तो ये सारी चीजें करते हैं इसमें। एक्सप्लेनेशन किसमें आ जाता है? एक्सप्लेनेशन। थर्ड थर्ड गोल क्या है भाई, थर्ड गोल क्या है? दो गोल तो हो गए हमारे समझ में। थर्ड गोल क्या है? एक्सप्लेनेशन। जब हम बात करते हैं एक्सप्लेनेशन का तो यानी कि कहते हैं कि तो यहाँ पे क्या कहते हैं कि इसमें क्या होता है कि टू नो दी कैजुअल फैक्टर्स और डिटरमिनेंट्स ऑफ बिहेवियर, डिटरमिनेंट्स
और बिहेवियर कि कोई भी बिहेवियर क्यों हुआ, इसमें समझते हैं कि कोई भी बिहेवियर क्यों हुआ। दूसरा चीज यहाँ पे हमें ये समझना है कब कोई भी बिहेवियर होगा और कोई भी बिहेवियर नहीं होगा, ठीक है। हाँ फैक्टर्स दैट मेक बिहेवियर, ये भी समझना है दैट मेक बिहेवियर, ये समझना है कि कब बिहेवियर कोई भी बिहेवियर हो रहा है उसका मेन कारण क्या था। और तीसरा चीज यहाँ पे समझना है कि व्हाट आर द कंडीशंस, व्हाट आर द कंडीशंस अंडर विच, उन कंडीशंस के बारे में बताऊं जहां पे कि कहते हैं कि अंडर विच अ पार्टिकुलर बिहेवियर कोई भी पार्टिकुलर बिहेवियर अकरिंग, पार्टिकुलर बिहेवियर डज नॉट अकर, वो कंडीशन बताओ कि जब कोई भी पार्टिकुलर बिहेवियर अकर नहीं। एक्सप्लेनेशन भी यहाँ तक बता दीजिए, ठीक है, इतना बात समझ जाए कि समझ जाए। एक्सप्लेनेशन भी जैसे एक एग्जांपल लिया जाए कि कोई भी बच्चा कब क्या कहते हैं कि ज्यादा ध्यान देगा क्लास में, हमें ये समझना है। और कोई भी बच्चा क्या कहते हैं कि कम ध्यान देता है पढ़ाई में एज कम्पेयर टू अदर एक्टिविटीज, क्यों, ठीक है ठीक है। दस दिस गोल इज कंसर्न विद आइडेंटिफाइंग द डिटरमिनेंट्स और एंटीसीडेंट कंडीशंस, वो कंडीशन ढूंढना चाहता है, वो कंडीशन ढूंढना चाहता है जो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को बताता है। किसके बताता है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल, ठीक है। एक्सप्लेनेशन क्या बताता है, एक्सप्लेनेशन में क्या होता है, यहाँ पे कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप आता है कि किसी भी चीज के कारण क्या हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये एक्सप्लेनेशन में बताता है, कॉज इट एक्सप्लेन्स कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, कि किसी भी चीज के कारण एक बिहेवियर और बिहेवियर, ठीक है, किसी भी बिहेवियर का कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप जो बताता है, ये बताता है क्या नाम है, ये बताते हैं थर्ड गोल एक्सप्लेनेशन, ये बताते हैं कि कैसे, हाँ, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप ऑफ टू वेरिएबल्स ऑफ टू वेरिएबल्स, दो वेरिएबल्स हो गए या इवेंट्स हो गए, ठीक है, इनके कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को बताते हैं। यहां तक बात समझ, ये थर्ड गोल। फोर्थ गोल क्या है, फोर्थ गोल है कंट्रोल, कंट्रोल। कंट्रोल में क्या होता है कि इसमें बिहेवियर को कैसे कंट्रोल करना, ठीक है। अगर जब तुम बिहेवियर को जब इफ यू आर एबल टू एक्सप्लेन, तो हम ये एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कोई भी बिहेवियर क्यों हुआ है, वाई अ बिहेवियर अ पार्टिकुलर, वाई अ पार्टिकुलर बिहेवियर अकर्स। अब हमें पता चल गया कि क्यों हो रहा है, तो उसको हम कंट्रोल भी कर सकते, यू कैन कंट्रोल दैट बिहेवियर, ठीक है। अगर हमें पता चल चुका कि कोई भी बिहेवियर क्यों हो रहा है, तो हम उसको बिहेवियर को क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे, बाय मेकिंग चेंजेस इन द कंडीशन, जो भी कंडीशंस हैं उसमें हम चेंजेस कर देंगे, जो भी कंडीशंस होंगे उसमें हम चेंजेस कर देंगे, ठीक है। इतना बात समझ में आएगी, समझ, उसमें चेंजेस करके हम क्या कर सकते हैं कि बिहेवियर को कंट्रोल भी कर सकते हैं, बिहेवियर को कंट्रोल भी कर सकते हैं। कंट्रोल क्या होता है कि कंट्रोल रिफर्स टू थ्री थिंग्स, कंट्रोल तीन चीजों को बताता है, कंट्रोल तीन तीन चीजों के बारे में बताता है। कौन कौन सी तीन चीजें हैं, वो सबसे पहला चीज होता है कि कोई भी बिहेवियर क्यों हो रहा है, मेकिंग अ पर्टिकुलर बिहेवियर हैपन, मेकिंग
पार्टिकुलर बिहेवियर है। कंट्रोल में हम क्या कर सकते हैं, किसी भी पार्टिकुलर बिहेवियर को होने में बिहेवियर है। फिर सेकेंड में क्या करते हैं, सेकेंड में क्या कर सकते हैं, उसको हम रिड्यूस भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, किसी भी पार्टिकुलर बिहेवियर को हम क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। थर्ड में क्या कर सकते हैं, उस पार्टिकुलर बिहेवियर को इनहेंस कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इनहेंसिंग। तो मतलब एक बिहेवियर को हम बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, या उस बिहेवियर को होने भी दे सकते हैं। ये सारी चीजें क्या होती हैं, ये सारी चीजें हम क्या कहते हैं कि कंट्रोल बिहेवियर, कंट्रोल गोल में करते हैं। फिर अगला जो गोल होता है, अगला जो लास्ट गोल था, पांचवा एप्लीकेशन। क्या करते हैं, एप्लीकेशन जो फाइनल गोल है, इट इज द फाइनल गोल ऑफ साइंटिफिक इंक्वायरी। साइंटिफिक इंक्वायरी या साइकोलॉजिकल इंक्वायरी, हाँ ये साइकोलॉजिकल इंक्वायरी का, साइकोलॉजिकल इंक्वायरी का मेन गोल, साइकोलॉजिकल इंक्वायरी का मेन गोल, साइकोलॉजिकल मेन, हाँ ठीक है। ये दूसरा, ये क्या कहते हैं कि हाँ इसमें आगे लिख दो, साइकोलॉजिकल इंक्वायरी टू ब्रिंग आउट चेंजेस इन द लाइफ्स ऑफ पीपल। लोगों के जीवन में क्या कहते हैं कि चेंजेस लाने की जरूरत, ठीक है। आप क्या कहते हैं कि हमें बताया कि साइकोलॉजिकल रिसर्च किस लिए किया जाता है, किस लिए किया जाता है, जो प्रॉब्लम्स होते हैं लोगों की लाइफ में उसको सॉल्व करने के लिए, हाँ ठीक है। अब यहाँ पे क्या कहते हैं कि इसका हम हमेशा यूज किए करते हैं कि नए नए जगह पे, ठीक है। जैसे हम इसमें देखो, हाँ ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, जो हम साइकोलॉजिकल इंक्वायरी कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, जो फाइनल गोल था, द फाइनल गोल ऑफ साइंटिफिक इंक्वायरी टू ब्रिंग आउट पॉजिटिव चेंजेस इन द लाइफ ऑफ द पीपल। लोगों के जीवन में पॉजिटिव चेंजेस लाना है, लोगों के जीवन में पॉजिटिव चेंजेस लाना है। साइकोलॉजिकल रिसर्च इज कंडक्टेड टू सॉल्व प्रॉब्लम्स इन वेरियस सेटिंग, जितने भी हाँ अलग अलग मामलों में क्या कहते हैं कि प्रॉब्लम को सॉल्व करना, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि ये जो साइकोलॉजिकल इंक्वायरी करते हैं, बिकॉज दिस एफर्ट्स द क्वालिटी ऑफ लाइफ पीपल इज मेजर कंसर्न ऑफ द साइकोलॉजिस्ट। जो सॉल्व साइकोलॉजिस्ट है वो देखते हैं कि भाई लोगों की लाइफ कैसे चल रही है। जैसे लोगों की लाइफ में अगर योगा मेडिटेशन आ जाता है, तो योगा और मेडिटेशन क्या करता है कि स्ट्रेस को कम कर देता है और एफिशिएंसी को बढ़ा देता है। साइंटिफिक इंक्वायरी ऑल्सो कंडक्टेड टू डेवलप न्यू थियोरी एंड कंस्ट्रक्ट विच लीड्स टू फर्दर रिसर्च। तो यानी कि नए नए थियोरी, नए नए थियोरीज के लिए भी किया जाता है साइंटिफिक इंक्वायरी, चाहे साइंटिफिक इंक्वायरी की या साइकोलॉजिकल इंक्वायरी, इज ऑल्सो कंडक्टेड टू डेवलप न्यू थियरी, नए नए थियरी बनाने में यूज किया जाता है, ठीक है। न्यू थियरी विच लेड लीड्स टू फर्दर रिसर्च, जो आगे रिसर्च करने में सहायता करता है। और यहाँ पे एक चीज समझ लो कि एग्जाम्पल लिख देना, एग्जाम्पल लिख देना क्या, योगा एंड मेडिटेशन, मेडिटेशन हेल्प्स टू रिड्यूस स्ट्रेस। तो हमें बताया कि स्ट्रेस को कम करने के लिए योगा और मेडिटेशन सहायक, ठीक है। फिर अब यहाँ तक हो गए, तो अगला जो होता है स्टेप्स, जैसा कि हमने पहले ही बताया था कि चार स्टेप्स, एक क्या कहते हैं कि जो साइंटिफिक रिसर्च को करने के कितने स्टेप्स हैं, चार। साइंटिफिक रिसर्च को करने के कितने स्टेप्स हैं, चार, एक दो तीन चार, ये चार स्टेप्स हैं। लेकिन उससे पहले भी हमें एक चीज समझने की कि साइंटिफिक रिसर्च क्या होता है, हाँ साइंटिफिक रिसर्च क्या होता है, ठीक है।
अब यहाँ पे हमें ये समझना है कि साइंटिफिक रिसर्च की बात कर लेते हैं। तो देखो, द साइंस इज नॉट सो डिफाइंड इन व्हाट इन्वेस्टिगेट्स एंड एज बाई हाउ इट इन्वेस्टिगेट्स। द साइंटिफिक मेथड अटेम्प्ट टू स्टडी अ पार्टिकुलर मैटर। जितने भी साइंटिफिक, तो देखो साइंटिफिक रिसर्च क्या होता है, साइंटिफिक मेथड क्या होता है। द साइंटिफिक मेथड अटेम्प्ट टू स्टडी अ पार्टिकुलर इवेंट और फिनोमेनन इन एन ऑब्जेक्टिव सिस्टमेटिक एंड एस्टेब्लिश्ड। देखो सीधी सी बात है कि कोई भी साइंटिफिक मेथड हो, जो भी साइंटिफिक मेथड हो, वो यहाँ पे ध्यान रखो कि जब आपसे पूछा जाए कि साइंटिफिक मेथड क्या होता है, व्हाट इज साइंटिफिक मेथड, तो वहां पे आपको ये लिखना है साइंटिफिक मेथड का मतलब क्या होता है कि द साइंटिफिक मेथड अटेम्प्ट्स टू स्टडी अ पर्टिकुलर इवेंट और फेनोमेनन इन ऑब्जेक्टिव सिस्टमेटिक एंड टेस्टेबल मैनर। अगर हम इस मेथड से पढ़ रहे हैं कि जिसमें एक ऑब्जेक्टिव होगा, जिसमें एक सिस्टमेटिक होगा, जिसमें जो एक टेस्टेबल मैनर होता है, इस पूरे को बोला गया साइंटिफिक। अब जब मैं बात करता हूँ ऑब्जेक्टिविटी कि ये ऑब्जेक्टिविटी होता क्या है, क्या समझना है हमें आपकी। अब हमें ये समझना है कि ऑब्जेक्टिविटी क्या है। ऑब्जेक्टिविटी जब मैं बात करता हूँ ऑब्जेक्टिविटी की, तो क्या होता है कि इट रेफर्स टू द फैक्ट दैट इफ टू और मोर पर्सन, इफ टू और मोर, ऑब्जेक्टिविटी का मतलब होता है कि अगर दो या दो से अधिक पर्सन, इंडिपेंडेंटली स्टडी अ पार्टिकुलर इवेंट, किसी भी पर्टिकुलर इवेंट को इंडिपेंडेंटली स्टडी करते हैं, बोथ ऑफ देम शुड अराइव एट सेम कंडीशन या सेम कंक्लूजन। सेम कंक्लूजन तो क्या मैंने बताया कि ये बताता है, उस फैक्ट को बताता है कि जब अगर दो पर्सन या दो से ज्यादा पर्सन अगर किसी पर्टिकुलर टास्क को करते हैं, किसी पर्टिकुलर टास्क को करते हैं, तो उनको सेम रिजल्ट को इसके पहुंचना चाहिए, उनको सेम रिजल्ट में, तो इसी को बोलते हैं ऑब्जेक्टिविटी। देखिए ऑब्जेक्टिविटी क्या बता रहा है कि ऑब्जेक्टिविटी बता रहा है कि अगर दो पर्सन क्या कर रहे हैं कि सेम टास्क को करने की कोशिश कर रहे हैं और वो अलग अलग कर रहे हैं, सेम टास्क को वो अलग अलग करना चाहते हैं, तो फिर क्या होगा, उनको सेम कंक्लूजन पे पहुंचना चाहिए, उनको कहाँ पे पहुंचना चाहिए, सेम कंक्लूजन पे, इसी को बोलते हैं ऑब्जेक्टिविटी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ऑब्जेक्टिविटी बोला जाता है। ओके, जैसे फॉर इंस्टेंस इफ यू एंड योर फ्रेंड मेजर द लेंथ ऑफ अ टेबल, अगर हम टेबल का लेंथ मेजर करते हैं तो हमें सेम कंक्लूजन पे पहुंचना चाहिए कि अच्छा इस टेबल का लेंथ यही है, इस टेबल का लेंथ यही है। ठीक है, तो साइंटिफिक रिसर्च का पहला, साइंटिफिक रिसर्च का जो क्या कहते हैं पहला कैरेक्टरिस्टिक है, साइंटिफिक रिसर्च का पहला कैरेक्टरिस्टिक है कि ये ऑब्जेक्टिव होता है। ये क्या होता है, ऑब्जेक्टिव होता है। साइंटिफिक रिसर्च का फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या था कि ये ऑब्जेक्टिव होता है। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक इसका क्या है कि ये सिस्टमैटिक होता है। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ये सिस्टमैटिक। सिस्टमैटिक मतलब क्या कहते हैं कि एक सिस्टमैटिक प्रोसीजर होगा, यानी कि हर एक साइंटिफिक रिसर्च में क्या होगा, कुछ ना कुछ स्टेप्स होंगे, कुछ ना कुछ स्टेप्स होंगे। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से स्टेप्स होंगे, इसमें चार स्टेप्स हैं, चारों स्टेप्स मैं बता देता हूँ। सबसे पहला था कंसेप्चुअलाइजेशन ऑफ अ प्रॉब्लम। एक प्रॉब्लम को पहले क्या करेंगे, कंसेप्चुअलाइज करेंगे। सबसे पहले प्रॉब्लम को क्या करेंगे, कंसेप्चुअलाइज, प्रॉब्लम के कॉन्सेप्ट को समझें। सबसे पहला गोल हमारा यही होगा कि सबसे पहला गोल क्या होगा हमारा कि प्रॉब्लम के कॉन्सेप्ट को समझेंगे, प्रॉब्लम की क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट को समझेंगे। फिर सेकेंड गोल क्या है, सेकेंड गोल है हम, सेकेंड गोल है क्या कहते हैं, कलेक्टिंग डेटा। सेकेंड गोल में हम डेटा को कलेक्ट करते हैं, सेकेंड गोल में हम कई डेटा को कलेक्ट करते हैं। थर्ड गोल हमारा क्या होता है, या थर्ड स्टेप, सॉरी सर, फर्स्ट स्टेप, साइंटिफिक रिसर्च के कुछ स्टेप्स होंगे। हाँ, साइंटिफिक रिसर्च के कुछ स्टेप्स होंगे, तो क्या कहते हैं कि सबसे पहला स्टेप क्या है, कंसेप्चुलाइजिंग द प्रॉब्लम। सेकेंड स्टेप क्या है, कलेक्टिंग डेटा। थर्ड स्टेप क्या है, ड्रॉइंग कंक्लूजन, जिसमें हम कंक्लूजन निकालते हैं। कंक्लूजन
कंक्लूजन कैसे निकाल सकते हैं? मीन मीडियन मोड आपने कभी पढ़ा होगा, मीन मीडियन मोड। हाँ, मीन मीडियन मोड कब निकालते हैं? मीन मीडियन मोड निकालते हैं ना कि जब ये कहते हैं कि हमें ये निकालना पड़ता है, स्टैटिस्टिकल मेथड का यूज करके हम ड्राइव कंक्लूजन निकालते हैं। फिर बाद में क्या करते हैं कि जो जितने भी हाइपोथेसिस होती है उसको हम फिर से सही करते हैं या उसको फिर से फर्दर रिसर्च के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप क्या है? सबसे पहला स्टेप है कंसेप्चुलाइजिंग द प्रॉब्लम। तो इसमें क्या होता है कि इसमें द प्रोसेस ऑफ साइंटिफिक रिसर्च बिगिंस, जब कोई भी रिसर्चर क्या करता है अपने प्रॉब्लम को क्या करता है, प्रॉब्लम को चुनता है, अपने प्रॉब्लम को चुनता है या थीम को चुनता है। ठीक है, हाँ, वो फिर क्या कहते हैं कि धीरे धीरे, पहले वो अपने थीम को सुनेगा। सबसे पहले पर्सन क्या करेगा, जब कोई भी रिसर्च करने की कोशिश करता है, रिसर्च करने के लिए सबसे पहला टॉपिक क्या है, रिसर्च करने का सबसे पहला स्टेप क्या है, रिसर्च करने का सबसे पहला स्टेप है कि उसको अपना टॉपिक चुनना पड़ेगा। सबसे पहला चीज क्या है, उसको अपना टॉपिक चुनना पड़ेगा। देन सी नैरोज डाउन द फोकस एंड डेवलप्स स्पेसिफिक रिसर्च क्वेश्चन। तो सबसे पहले वो टॉपिक चुनेगा, हाँ, कॉन्सेप्चुलाइजिंग नहीं, सबसे पहले वो अपना टॉपिक चुनकर टॉपिक के बाद में क्या करेगा, कहते हैं कि टॉपिक के बाद में उसको अपना थोड़ा सा और मेन फोकस जिस पे रिसर्च क्वेश्चन क्या है उस पे जाएगा या प्रॉब्लम ऑफ स्टडी। सबसे पहले अपना थीम चुनेगा, थीम के बाद में क्या कहते हैं कि प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ऑफ स्टडी क्या है उसको पढ़ेगा। ठीक है, कि किस पे पढ़ना है, ठीक है, इस पे समझना है। अब हाँ, तो इसमें क्या होता है कि इसको करने के लिए इसमें क्या होता है कि प्रॉब्लम जब हम कंसेप्चुलाइजेशन करते हैं तो हमें इसमें पास्ट रिसर्च प्रॉब्लम को पढ़ना पड़ता है, पास्ट रिसर्च या जो भी ऑब्जर्वेशंस हैं पहले की या पर्सनल एक्सपीरियंस है इसको पढ़ना पड़ता है। ठीक है, इसमें देखना पड़ता है, तो यानी कि कंसेप्चुलाइजिंग प्रॉब्लम में ये सारी चीजें आती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अर्लियर यू रेड अबाउट अ रिसर्चर हु आर इंटरेस्टेड इन ऑब्जर्विंग द स्टडी हैबिट्स ऑफ स्टूडेंट। जैसा कि हमें पता है कि अगर बच्चों के स्टडी हैबिट्स के बारे में जानना हो तो सबसे पहले जो रिसर्चर होगा, हाँ, उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि स्टडी हैबिट्स में क्या क्या चीजें होती हैं। हाँ, तब वो जाकर के, हाँ, वो जो स्टडी हैबिट्स में जो इंटरेस्ट होगा तब जाकर के वो दिखा पाता है कि बच्चों के घर वगैरह पे कैसे वो बच्चे लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, इतना बात समझ में आएगी? समझ। इन साइकोलॉजी वी स्टडी अ डाइवर्स रेंज ऑफ प्रॉब्लम रिलेटेड टू बिहेवियर एंड एक्सपीरियंस। अलग-अलग प्रॉब्लम्स पढ़ते हैं हम अलग-अलग में, उसमें कि कितने उनका बिहेवियर क्या-क्या है, एक्सपीरियंसेस क्या है। दी प्रॉब्लम में रिलेटेड टू अंडरस्टैंडिंग आवर ओन बिहेवियर। कभी-कभी हम अपना खुद का बिहेवियर समझते हैं, कभी-कभी हम अपना खुद का बिहेवियर समझते हैं, कभी-कभी क्या होता है कि हम दूसरों के बिहेवियर को समझना चाहते हैं। ठीक है, ये कंसेप्चुअलाइजिंग का पार्ट है, कंसेप्चुअलाइजिंग स्टेप वाले का पार्ट है। तो कभी-कभी हम खुद का बिहेवियर समझते हैं, कभी-कभी सामने वाले का बिहेवियर समझने की कोशिश करते हैं, कभी-कभी हम ये देखते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर पर्सन के बिहेवियर पे, किसी भी पर्टिकुलर पर्सन के बिहेवियर पे पूरे ग्रुप का क्या इफेक्ट पड़ रहा है। कभी कभी हमें ये देखना पड़ता है किसी भी पर्टिकुलर पर्सन के बिहेवियर पे पूरे ग्रुप का क्या इफेक्ट पड़ रहा है। फिर ग्रुप बिहेवियर, कभी कभी हम ये भी देखते हैं पूरे ग्रुप का क्या बिहेवियर है, पूरे ग्रुप का क्या बिहेवियर है। और कभी कभी हम ये देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशनल लेवल कैसे चीजें ऑर्गेनाइज हुई, कैसे कैसे चीजें ऑर्गेनाइज हुई है, इन सब चीजों को हमें देखें, इन सब चीजों को देखना है। तो यानी कि जो फर्स्ट स्टेप था, जो फर्स्ट स्टेप है कंसेप्चुलाइजिंग द प्रॉब्लम, उसमें ये सारी चीजें करनी। जो सबसे पहला स्टेप था, स्टेप नंबर वन में क्या था, कंसेप्चुअलाइजिंग, कंसेप्चुअलाइजिंग अ प्रॉब्लम, कंसेप्चुअलाइजिंग द प्रॉब्लम में सबसे पहला स्टेप क्या था कि हम क्या करते हैं अपने टॉपिक को सिलेक्ट करते हैं। क्या करते हैं, टॉपिक को सिलेक्ट करते हैं। टॉपिक को सिलेक्ट करने के लिए हमें समझना पड़ता है थीम वगैरह, और इसी में हमें समझना पड़ता है कि खुद के बिहेवियर को या तो समझना पड़ेगा या ग्रुप के बिहेवियर को समझना पड़ेगा। इसके बाद जब आपको इतनी चीजें पता चल गई, जब आपने अपना प्रॉब्लम पहचान ली, जब आपने प्रॉब्लम अपना पहचान लिया, तो आपको एक क्या कहते हैं कि हाइपोथेसिस देना पड़ता है। क्या देना पड़ता है, हाइपोथेसिस क्या देना पड़ता है। आपने प्रॉब्लम को पहचानने के बाद में इसी स्टेप में आपको क्या करना पड़ता है, हाइपोथेसिस। और हाइपोथेसिस क्या होता है, हाइपोथेसिस एक टेंटेटिव सॉल्यूशन होता है। हाइपोथेसिस क्या है, हाइपोथेसिस आपको पता है, हाइपोथेसिस जो होता है टेंटेटिव सॉल्यूशन होता है। ठीक है, जो आपका प्रॉब्लम है, ठीक है, हाइपोथेसिस इज हाइपोथेसिस इज
टेंटेटिव सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम, टेंटेटिव सॉल्यूशन ऑफ आइडेंटिफाइड प्रॉब्लम। जो भी आपने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया उसका ये क्या होता है, टेंटेटिव सॉल्यूशन होता है। तो क्या होता है ये, टेंटेटिव सॉल्यूशन होता है। और यहाँ पे एक चीज समझने वाली बात ये है कि हाइपोथेसिस ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है, इतने भी और फॉल्स। तो पहला स्टेप में यही था, पहला स्टेप में हमें इतनी सी बातें समझनी थी कि क्या क्या चीजें हो रही है। ठीक है, हमने देखा कि जो बच्चा ज्यादा देर पढ़ रहे हैं या ज्यादा देर मूवी देख रहा है जिसमें वायलेंस वगैरह हो रहा है, तो वो क्या होता है कि उसमें ज्यादा एग्रेशन होता है। जितना ज्यादा, अगर कोई भी पर्सन ज्यादातर देर तक ये मूवी देख रहा है जिसमें क्या कहते हैं वायलेंस वगैरह होता है, तो ज्यादा उसके अंदर एग्रेशन आता है। ठीक है, उसके अंदर ज्यादा एग्रेशन आ जाता है। आपको इतनी बातें तो समझ में आ गई कि सबसे पहला स्टेप क्या है कि हमें प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है। तो ये फर्स्ट स्टेप का पार्ट। फर्स्ट स्टेप में क्या था, कंसेप्चुलाइजिंग का प्रॉब्लम में हमें प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई। सेकेंड स्टेप क्या है, डेटा कलेक्टिंग, कलेक्टिंग डेटा। सेकेंड स्टेप में क्या करना पड़ रहा है कि हमें डेटा को कलेक्ट करना पड़ रहा है। सेकेंड स्टेप में क्या करना पड़ रहा है, डेटा को कलेक्ट करना पड़ रहा है। हाँ ठीक है, कलेक्ट डेटा, डेटा कलेक्शन रिक्वायर्ड डेवलपिंग द रिसर्च डिजाइन या ब्लूप्रिंट ऑफ इंटायर स्टडी। तो जब डेटा कलेक्शन, जो सेकेंड स्टेप में डेटा कलेक्शन के लिए पहले आपको पूरा पता होना चाहिए कि किन किन चीजों पर डेटा चाहिए। तो आपको पूरे स्टडी का क्या होना चाहिए, पूरे इंटायर स्टडी के, इसके लिए क्या होगा, पूरे इंटायर स्टडी का हमें क्या पता होना चाहिए, ब्लूप्रिंट पता। डेटा कलेक्शन के लिए हमें क्या होना चाहिए, पूरे इंटायर स्टडी का क्या होना चाहिए, ब्लूप्रिंट पता होगा। इट रिक्वायर्स टेकिंग डिसीजन अबाउट फॉलोइंग फोर एस्पेक्ट। तो देखो, कलेक्टिंग डेटा में ये चार चीजें होंगी, कौन कौन से पार्टिसिपेंट्स होंगे स्टडी में, क्या 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 मेथड होगा डेटा कलेक्शन, और टूल्स कौन कौन से रिसर्च में यूज किए जाएंगे, और साथ में ही प्रोसीजर फॉर द डेटा कलेक्शन। ये चार चीजें हमें पता होनी चाहिए डेटा कलेक्शन के बारे में, ये चार चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, डेटा कलेक्शन के बारे में ये चार चीजें पता होनी चाहिए, कौन कौन होंगे पार्टिसिपेंट्स इन स्टडी, स्टडी में कौन कौन से पार्टिसिपेंट्स होंगे, और साथ में ध्यान रखना है कि डेटा कलेक्शन का मेथड क्या होगा। फिर अगला आता है कि कौन कौन से, क्या कहते हैं कि टूल्स यूज किए जाएंगे रिसर्च में, रिसर्च में कौन कौन से टूल्स यूज किए जाएंगे, और उसके बाद में ये कहते हैं कि हम प्रोसीजर फॉर डेटा कलेक्शन, डेटा कलेक्शन का क्या क्या प्रोसीजर, इन सब चीजों को हमें देख करके हम डेटा कलेक्शन करते हैं। ओके, अब हमने देखा कि हमारा स्टडी कैसा होगा, इसके बेसिस पे हम कौन कौन पार्टिसिपेंट होगी ये समझना है। ठीक है, अगर नेचर ऑफ स्टडी कैसा है, ठीक है, अब पार्टिसिपेंट्स क्या हो सकते हैं, पार्टिसिपेंट चिल्ड्रन भी हो सकते हैं, एडोल्सेंट भी हो सकते हैं, कॉलेज स्टूडेंट्स हो सकते हैं, टीचर्स हो सकते हैं। पार्टिसिपेंट का मतलब होता है कि जिनके ऊपर आपको स्टडी करनी, पार्टिसिपेंट का मतलब क्या होता है, जिनके ऊपर आपको स्टडी करनी, वो लोग कौन, पार्टिसिपेंट का मतलब जो लोग जिनके ऊपर स्टडी करनी। ठीक है, वो कॉलेज स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं, रिसर्चर टीचर्स भी हो सकते हैं, मैनेजर भी हो सकते हैं, क्लिनिकल पेशेंट्स भी हो सकते हैं, इंडस्ट्रियल वर्कर्स, या कुछ भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। ओके, यहाँ तक तो आपको बात समझ में आ चुकी है। अब वेयर द फेनोमिनन अंडर द इन्वेस्टिगेशन प्रीवेल, हमें पता है कि यहाँ पे हमेशा, जहां पर भी हमेशा इन्वेस्टिगेशन वगैरह की जा सकती है, वो सारी चीजें क्या कहते हैं, पार्टिसिपेंट। द सेकेंड डिसीजन इज रिलेटेड टू द यूज ऑफ मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन। हमने जैसा कि वो चार चीजों पढ़ा था, सबसे पहले पार्टिसिपेंट, अब देखना है कि कौन सा आप मेथड यूज करते हो डेटा कलेक्शन। अब देखो, डेटा कलेक्शन का मेथड क्या होता है, ऑब्जर्वेशन मेथड होता है, एक्सपेरिमेंटल मेथड होता है, कोरिलेशनल मेथड होता है, केस स्टडी मेथड होता है, कौन सा मेथड आप यूज करते हो वो भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो इसमें इतनी बातें हमें समझ में आती कि क्या क्या चीजें होंगी डेटा कलेक्शन। रिसर्चर नीड्स टू डिसाइड अबाउट एप्रोप्रिएट टूल्स, कि वो इंटरव्यू शेड्यूल करेगा या ऑब्जर्वेशन शेड्यूल या क्वेश्चन आयर डेटा को कलेक्ट करेगा। ठीक है, यहाँ पे अभी ये कौन कौन से चीजें चाहिए डेटा कलेक्शन के लिए, क्या क्या चीजें और भी चाहिए, वो सारी चीजें यहाँ पे रिसर्चर को डिसाइड करना पड़ता है एक्चुअल। ठीक है, फिर लास्ट में क्या होता है, लास्ट में एक्चुअल डेटा कलेक्शन, लास्ट में एक्चुअल डेटा कलेक्शन। फिर जब हमने बताया था कि पहला स्टेप क्या था, कंसेप्चुलाइज डेटा प्रॉब्लम, दूसरा स्टेप था कलेक्शन ऑफ डेटा। अब जब आपने डेटा भी कलेक्शन कर दिया, डेटा को कलेक्ट कर दिया, तो थर्ड स्टेप क्या था, थर्ड स्टेप जो था उसका नाम था ड्राइंग कंक्लूजन।
स्टेप में क्या था, कंक्लूजन को ड्रॉ करना। थर्ड स्टेप में कंक्लूजन को ड्रॉ करना है, तो यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप लिखो, एनालाइज द डेटा। सो कलेक्टेड थ्रू द यूज ऑफ स्टैटिस्टिकल प्रोविजन टू अंडरस्टैंड व्हाट डेटा मीन। जो जो आपने डेटा को कलेक्ट किया है उसको एनालाइज करो, ठीक है। थर्ड वाले में क्या करना है, जो जो आपने डेटा को कलेक्ट किया है, थर्ड स्टेप में क्या करना है, जो आपने डेटा को कलेक्ट किया है उसको एनालाइज करो, उसको एनालाइज करो, हाँ, और उस डेटा का मतलब समझो, ठीक है। अब इसमें क्या करना पड़ता है, आप डेटा को कुछ स्टैटिस्टिकल मेथड अपना हो, जैसे पाई चार्ट, बार डायग्राम, क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी, या तो मीन मीडियन मोड, ये सबको यूज करके, इन सबको यूज करके आप स्टैटिस्टिकल टूल्स का यूज करके आप कंक्लूजन को ड्रॉ करो। स्टैटिस्टिकल टूल्स को यूज करके आप क्या कहते हैं कि कंक्लूजन को ड्रॉ करोगे, कि क्या कहते हैं कि हम क्या करने वाले हैं, क्या क्या चीजें, ठीक है। फिर अगला आता है रिवाइजिंग रिसर्च कंक्लूजन। फिर फाइनली जो फाइनल स्टेप होता है उसमें क्या करना पड़ता है, रिसर्चर में है बिगिन टू स्टडी विद आई हाइपोथेसिस। देखो रिसर्चर ने क्या किया था, शुरू किया था कहाँ से, हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस क्या होता है, एक सॉल्यूशन, जो आपने प्रॉब्लम पहचाना उसका एक सॉल्यूशन मान लिया, उसे ही हाइपोथेसिस कहते हैं। जब आपने रिसर्चिंग स्टार्ट किया था तो आपने किसके साथ में स्टडी स्टार्ट किया था, एक हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस क्या होता है, हाँ, दैट देयर इज द रिलेशनशिप बिटवीन व्यूइंग वायलेंस ऑन टेलीविजन एंड अग्रेशन अमंग चिल्ड्रन। जब हमने देखा था कि अगर वायलेंस बच्चा टीवी में देखेगा तो उतना ज्यादा उसके अंदर अग्रेशन आता है, उसके अंदर उतना ही अग्रेशन आएगा। सी और ही हैज टू सी वेदर द कंक्लूजन सपोर्ट दिस हाइपोथेसिस। सबसे पहला चीज हमें ये ध्यान में रखना होगा कि क्या वो कंक्लूजन हाइपोथेसिस को सपोर्ट कर रहा है या नहीं। अगर वो कंक्लूजन हाइपोथेसिस को सपोर्ट कर रहा है तब तो ठीक है कि वो हमारा सॉल्यूशन सही है। अगर उसको वो सपोर्ट नहीं कर रहा है तो आपको क्या करना पड़ेगा, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को अपनाना पड़ेगा, या फिर से थियरी, फिर से रिसर्च करना पड़ेगा, या फिर से रिसर्च करना पड़ता है, ठीक है। ठीक है, मैंने क्या बताया कि सबसे पहला स्टेप क्या है, सबसे पहला स्टेप आपको क्या था, सबसे पहला स्टेप था कॉन्सेप्चुलाइजिंग द प्रॉब्लम। आपने यहाँ पे अपना एक प्रॉब्लम पहचाना और इसी स्टेप में आपने एक अपना हाइपोथेसिस बना लिया। प्रॉब्लम को पहचानते ही हाइपोथेसिस बना लिया, हाइपोथेसिस का मतलब होता है उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बना लिया। फिर आपने क्या किया, कलेक्शन ऑफ डेटा करने, डेटा करने के बाद आपने क्या किया, कंक्लूजन ड्रॉ। अब कंक्लूजन ड्रॉ करने के बाद में हो सकता है कि आपका ये हाइपोथेसिस एग्री कर गया। अगर ये हाइपोथेसिस एग्री कर गया तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर हाइपोथेसिस एग्री नहीं हुआ आपको फर्दर रिसर्च करना पड़ेगा, ठीक है। चौथे स्टेप में जो चौथा स्टेप था, चौथा स्टेप था रिवाइजिंग रिसर्च। फिर से आपको अपने रिसर्च को क्या करना पड़ेगा, रिवाइज करना, ठीक है। इतना बात समझ में आई, नहीं समझ? तो ये चार स्टेप थे, यहाँ तक हमारे इतना अब तक तो बात इतना समझ में आ गई कि रिसर्च में क्या क्या चीजें थी, ठीक है, यहाँ तक आ गए। अगला आता है अल्टरनेटिव पैराडाइम्स ऑफ रिसर्च। रिसर्च के और अल्टरनेटिव पैराडाइम्स क्या है, रिसर्च के और क्या क्या कहते हैं कि अल्टरनेटिव पैराडाइम्स क्या है, अब ये हमें समझ, ठीक है। साइकोलॉजिस्ट सजेस्ट दैट ह्यूमन बिहेवियर कैन शो स्टडी फॉलोइंग मेथड्स एडॉप्टेड बाय साइंस। लाइक देखो, अगर आपको ह्यूमन बिहेवियर पढ़ना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इन सब चीजों को पढ़ना है, ठीक है, ठीक है। अगर ह्यूमन बिहेवियर को पढ़ना है तो हम कुछ मेथड्स होते हैं उनके थ्रू पढ़ सकते हैं। द की एजम्पशन ऑफ दिस व्यू इज दैट ह्यूमन बिहेवियर इज प्रेडिक्टेबल। यहाँ पे एक चीज माना गया है, क्या एजम्पशंस, क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या एजम्पशंस रखे गए हैं यहाँ पे। यहाँ पे एजम्पशन ये माना गया है कि जो ह्यूमन बिहेवियर होता है ये क्या है, प्रेडिक्टेबल। यहाँ पे क्या कहते हैं कि हाँ, जो ह्यूमन बिहेवियर होता है वो प्रेडिक्टेबल है, कॉल्ड बाई इंटरनल एंड एक्सटर्नल फोर्सेस। ह्यूमन बिहेवियर क्या होता है, इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से होता है, और ह्यूमन बिहेवियर हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। तो सबसे पहला चीज यहाँ पे एक अजम्पशन रखा है कि क्या क्या अजम्पशंस हैं। अजम्पशंस यही है कि ह्यूमन बिहेवियर को हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, ह्यूमन बिहेवियर को हम हाँ, ह्यूमन बिहेवियर का जो कारण होता है वो इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्सेस होते हैं। और यहाँ पे ये भी हम मानते हैं कि जो भी हम चीजें ऑब्जर्व करते हैं इनको हम मेजर कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। अगर हमें ये गोल को समझना हो तो हमें, ठीक है, इन ऑर्डर टू अचीव दीज गोल्स द डिसिप्लिन ऑफ द साइकोलॉजी फॉर अ लार्जर पार्ट ऑफ द 20th सेंचुरी रिस्ट्रिक्टेड इटसेल्फ टू स्टडी ऑफ ओवरथिंकिंग।
यानी कि अगर हमें इन सब चीजों को समझना पड़ेगा तो हमें स्टडी ऑफ ओवर्ट बिहेवियर पढ़ना पड़ेगा। और ओवर्ट बिहेवियर कौन सी चीज है? ओवर्ट बिहेवियर वो बिहेवियर होती है, जिनको हम ऑब्जर्व और मेजर कर सकते। तो आपसे मान लो पूछा गया है ओवर्ट बिहेवियर कौन सी, ओवर्ट बिहेवियर वो बिहेवियर जिनको हम ऑब्जर्व भी कर सकते हैं मेजर भी कर सकते। ये कौन से बिहेवियर होते हैं? बिहेवियर दैट कुड बी ऑब्जर्व एंड मेजर, दैट कुड बी ऑब्जर्व एंड मेजर। जिन जिन बिहेवियर को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं या मेजर कर सकते हैं उन्हें ही क्या बोला गया? ओवर बिहेवियर। ठीक है, इट डिड नॉट फोकस ऑन पर्सनल फीलिंग एक्सपीरियंस एंड बिहेवियर। ध्यान रख लो कि जो ओवर बिहेवियर होता है ये क्या होता है, किसी पर्सन को पर्सनल फीलिंग एक्सपीरियंस वगैरह पे नहीं है। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक बात समझ रहे हैं? अब अगला, इन रिसेंट ईयर अ डिफरेंट मेथड नोन एज इंटरप्रेटिव एज इमर्ज। एक नया मेथड आया इंटरप्रेटिव मेथड। इंटरप्रेटिव मेथड में क्या हुआ, इट इम्पैसेस अंडरस्टैंडिंग ओवर एक्सप्लेनेशन एंड प्रिडिक्शन। इंटरप्रेटिव मेथड क्या होता है? इंटरप्रेटिव ठीक है, इंटरप्रेटिव मेथड क्या होता है? इंटरप्रेटिव मेथड कौन कौन से हैं? ऐसे मेथड इट इम्फेसिस हाँ, ये किस पे जोर देता है? अंडरस्टैंड। एक्सप्लेनेशन एंड प्रेडिक्शन ठीक है, ये किस पे जोर देता है? एक्सप्लेनेशन और प्रेडिक्शन के ऊपर। किसके ऊपर जोर देता है ये? एक्सप्लेनेशन और प्रेडिक्शन के ऊपर। इट टेक्स स्टैंड दैट इन व्यू ऑफ कॉम्प्लेक्स एंड वेरिएबल नेचर ऑफ द ह्यूमन बिहेवियर, इट्स मेथड ऑफ इन्वेस्टिगेशन शुड बी डिफरेंट फ्रॉम द मेथड ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑफ द फिजिकल वर्ल्ड। जो अभी हमने ऊपर किया था वो मेथड्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन था फिजिकल वर्ल्ड का, और ये थोड़ा सा उससे अलग है, यहाँ पे ये थोड़ा सा अलग है। ठीक है हाँ, इसका जो अलग है नेचर ऑफ ह्यूमन बिहेवियर और एक्सपीरियंस थोड़ा सा ये अलग है। ठीक है, इतना बात हमारे समझ में आ चुका। अब आगे, दिस व्यू पॉइंट इम्फेसिस द इम्पोर्टेंस ऑफ हाउ ह्यूमन बींग्स हैव गिव मीनिंग टू द इवेंट्स एंड एक्शंस, इंटरप्रेट देम एज दे अकर इन अ पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट। मतलब कि ये क्या करते हैं कि कोई भी ह्यूमन बींग किसी भी इवेंट को क्या मतलब दे रहा है, क्या कैसे उसको समझ रहा है, इस पे फोकस करता है। यहाँ पे ये फोकस करता है कि कोई भी ह्यूमन बींग किसी भी इवेंट को क्या मीनिंग देता है और कैसे उसके एक्शन को समझता है। यहाँ लेट अस टेक द एक्सपीरियंस दैट मे अकर इन यूनिक सम यूनिक सच एज पर्सन एक्सपीरियंसिंग सफरिंग ड्यू टू एक्सटर्नल फैक्टर्स। कुछ पर्सन होते हैं जो एक्सटर्नल पर्सन, जैसे पीपल अफेक्टेड बाई सुनामी अर्थक्वेक साइक्लोन, और कभी कभी क्या होता है कि प्रोलॉन्ग इलनेस, कोई भी बहुत जल्द बड़ी बीमारी, तो इनसे वो पर्सन कैसे उस चीजों को समझ रहा है, कैसे उस चीजों को समझ रहा है, इन सब चीजों को बताने के लिए आपको कौन सा मेथड यूज करना पड़ेगा? इंटरप्रेटिव मेथड। क्या यूज करेंगे? इंटरप्रेटिव मेथड। ओके, यहाँ तक बात समझ में? इन सब टाइप ऑफ सिचुएशन ऑब्जेक्टिव इन मेजरमेंट इज नीदर पॉसिबल नॉट डिजायरेबल। तो देखो ऑब्जेक्टिव मेजरमेंट का यहाँ पे प्रदेश, यहाँ पे हम ऑब्जेक्टिव मेजरमेंट नहीं करेंगे। जब ऑब्जेक्टिव मेजरमेंट नहीं करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन करना। हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन करना पड़ेगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव के लिए क्या होता है, किसी पर्टिकुलर पर्सन अलग अलग जहाँ पे सेम सिचुएशन, यहाँ पे सिचुएशन अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हो जाएंगे, तो आपको सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन करना पड़ेगा। द गोल इज हियर टू एक्सप्लोर द डिफरेंट आस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस। यहाँ पे हमारा मेन गोल क्या होता है कि अलग अलग क्या कहते हैं कि यहाँ पे हमारा मेन गोल क्या है, मेन गोल ये है कि समझना है कि लोगों का ह्यूमन एक्सपीरियंस का क्या डिफरेंट एस्पेक्ट, ह्यूमन एक्सपीरियंस के क्या क्या है,
और उनका बिहेवियर ध्यान रखना है, बिहेवियर भी ध्यान रखना है, लेकिन विदाउट नेचुरल, मतलब कि उनके नेचुरल फ्लो को बिना डिस्टर्ब करते, बिना नेचुरल, हाँ नेचुरल फ्लो को बिना डिस्टर्ब करते हुए भी उनके क्या कहते हैं बिहेवियर को समझना है। तो यानी कि हम ऑब्जेक्टिव मैनर में उसको स्टडी नहीं कर सकते, जब ऑब्जेक्टिव मैनर में नहीं स्टडी कर सकते तो इंटरप्रेटिव मैनर में स्टडी। ओके, इतना बात समझ में आई? कुछ मेथड्स को हम ऑब्जेक्टिव मेथड में पढ़ते हैं, कुछ को इंटरप्रेटिव में। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एन एक्सप्लोरर डज नॉट नो वॉट इज लुकिंग फॉर और हाउ लुक फॉर इट एंड वॉट द टू एक्सपेक्ट। जो एक्सप्लोरर होता है उसको यही नहीं पता होता कि वो किस चीज के लिए देखने जा रहा है और वो कैसे देखेगा और वो क्या एक्सपेक्ट करता है, इसको ये सारी चीजें पता नहीं। रादर सी और ही ट्राई टू मैप एन अनचार्टेड वाइल्डनेस टू लिटिल और नो प्रायर नॉलेज ऑफ द एरिया। हो सकता है उसको एरिया के बारे में थोड़ा थाड़ा पता होगा या तो नहीं भी पता होगा, वो आगे देखता जाता है और उसको समझ में आती जाती है कि क्या चीजें हो रही है। तो इतना बात हमारे समझ में आ गई। अभी तक हमने क्या कहते हैं कि दो मेथड पढ़े, स्टडी के किसी बिहेवियर को स्टडी करने के कितने मेथड पढ़ लिए हमने, तो एक था साइंटिफिक मेथड और एक था साइंटिफिक जो ऑब्जेक्टिव मैनर में फोकस कर रहा था, और दूसरा है इंटरप्रेटिव मेथड। यानी कि अभी तक हमने जो पढ़े, अभी तक जो चीजें हमने सीखी, यहाँ पे हमने दो मेथड से पढ़ लिए, दो मेथड से पढ़ लिए। किसके? रिसर्च के दो मेथड से पढ़ लिए। कौन कौन से मेथड से पढ़ लिए? ये रिसर्च के मेथड से ध्यान रखते हैं। सबसे पहला था साइंटिफिक ट्रेडिशन, साइंटिफिक, और फिर दूसरा आगे की कहते हैं इंटरप्रेटिव, साइंटिफिक इंटरप्रेटिव। साइंटिफिक किसके ऊपर फोकस करता था? साइंटिफिक फोकस करता था ऑब्जेक्टिव मैनर, ऑब्जेक्टिव मेथड। और जो इंटरप्रेटिव होता है वो क्या होता है? सब्जेक्टिव मेथड। यहाँ पे क्या होता है? इंटरप्रेटेशन, इसमें इंटरप्रिटेशन किया जाता है अपने हिसाब से, यहाँ पे ये सारी। ठीक है, यहाँ पे हम दोनों में ही क्या करना चाहते हैं कि बिहेवियर को स्टडी करना चाहते हैं और उनके एक्सपीरियंस को समझना चाहते हैं, उनके बिहेवियर को स्टडी करना चाहते हैं और उनके एक्सपीरियंस को हम यहाँ पे समझने की कोशिश। इतना बात तो क्लियर होगी? ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने यहाँ तक। अब अगला जो टॉपिक है हमारा, नेचर ऑफ साइकोलॉजिकल डेटा, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको क्या नाम है? नेचर ऑफ साइकोलॉजिकल डेटा। तो अब हम जब बात करते हैं कि साइकोलॉजिकल डेटा क्या क्या है और उसका क्या क्या नेचर है। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है नेचर ऑफ साइकोलॉजिकल डेटा। हाँ, तो अब ये साइकोलॉजिकल डेटा क्या होता है कि जो साइंस होता है उससे अलग होता है। ठीक है, यू मे वॉन्ट टू कंसिडर हाउ साइकोलॉजिकल डेटा आर डिफरेंट एज कंसीडर्ड कंपेयर टू अदर साइंसेस। मतलब ये साइकोलॉजिकल डेटा कैसे है? तो देखो, जो आपने कैलकुलेशन कलेक्ट किया था डेटा की, उसकी बात है। साइकोलॉजिस्ट कलेक्ट अ वैरायटी ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस। तो देखो क्या होता है कि अलग अलग मेथड, अलग अलग सोर्सेज होते हैं डेटा के। ठीक है, द इंफॉर्मेशन ऑल्सो कॉल्ड डेटा रिलेट टू, अच्छा डेटा का जो सिंगुलर होता है वो डेटा होता है। ठीक है, रिलेट टू द इंडिविजुअल्स कोवर्ट और ओवर्ट बिहेवियर। यानी कि जो डेटा होता है, जो साइकोलॉजिकल डेटा है, ये किससे रिलेटेड है? साइकोलॉजिकल डेटा, या हम कहते हैं कि ये इंडिविजुअल के अपने उनके ओवर्ट और कोवर्ट बिहेवियर से जुड़ा। ठीक है, ये ओवर्ट और कोवर्ट बिहेवियर से जुड़ा हुआ है, दियर सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस एंड मेंटल प्रोसेस। ठीक है, इतना बात समझ आएंगे जरूर? क्या हमने कहा कि जो डेटा होता है या जो इंफॉर्मेशन होता है ये क्या होता है कि किसी पर्टिकुलर पर्सन के बिहेवियर से रिलेटेड होता है। जो भी डेटा हो या चाहे, हाँ जो भी इंफॉर्मेशन या डेटा है, जो भी इंफॉर्मेशन या डेटा है वो किसके, किसी पर्टिकुलर पर्सन के ओवर्ट और ओवर्ट बिहेवियर से रिलेटेड होगा या उनके एक्सपीरियंसेस से रिलेटेड है या उनके मेंटल प्रोसेस से रिलेटेड होगा। ठीक है, इतना बात समझ में आए कि जो साइकोलॉजिकल डेटा होता है वो किससे रिलेटेड होता है? उनके इंडिविजुअल के कोवर्ट और ओवर्ट बिहेवियर से, और साथ में ही उनके सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस और मेंटल प्रोसेस। डेटा फ्रॉम एन इम्पॉर्टेंट इनपुट इन साइकोलॉजिकल इंक्वायरी। जो भी साइकोलॉजिकल डेटा होता है, विदाउट डेटा आप किसी भी इंक्वायरी को स्टडी करेंगे, विदाउट डेटा क्या आप विदाउट डेटा क्या आप किसी भी इंक्वायरी को स्टडी कर सकते हो? नहीं, कोई भी इंक्वायरी कर ही नहीं सकते विदाउट डेटा आप इंक्वायरी कर नहीं। दे इनफैक्ट अप्रोक्सीमेट द रियलिटी।
सम एक्सटेंट ये बताते हैं और प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू वेरीफाई और फॉल्सिफाई आर आइडिया। हमारा आइडिया सही है या गलत है वो कौन बताता है? डेटा साइंटिस्ट। हाँ हमारे हाँ हमारा आइडिया सही है या गलत है, हमारे हंचेस जो हम मतलब प्रोडक्ट करते हैं या हमारे कॉन्सेप्ट ये सब सही है या गलत है, ये सब सही है या गलत है, जो भी हमारे प्रडिक्शन आइडियाज और क्या कहते हैं कॉन्सेप्ट, क्या वो सही है या गलत है, ये कौन बताता है? डेटा ही बताता है। ठीक है, डेटा और ध्यान रख लो, इट शुड बी अंडरस्टूड दैट डेटा आर नॉट इंडिपेंडेंट एंटिटी। डेटा क्या इंडिपेंडेंट एंटिटी होता है? नहीं, दे आर लोकेटेड इन कॉन्टेक्स्ट एंड आर टाइड टू मेथड ऑफ थ्योरी दैट गवर्न द प्रोसेस ऑफ डेटा कलेक्शन। तो ध्यान रख लेना कि क्या सबसे पहले डज या डू या आर डेटा इंडिपेंडेंट एंटिटीज, क्या डेटा इंडिपेंडेंट एंटिटीज नहीं है? तो कह दो नहीं, नो, डेटा इंडिपेंडेंट नहीं, डेटा इंडिपेंडेंट एंटिटी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो डिपेंड करते हैं किस चीजों पे, उनका जो मेन मैटर होता है दे आर लोकेटेड इन कॉन्टेक्स्ट। जो डेटा होते हैं डेटा किस में लोकेटेड होते हैं? कॉन्टेक्स्ट। डेटा आर टाइड टू मेथड एंड द थियरी दैट गवर्न द प्रोसेस ऑफ डेटा कलेक्शन। किस मेथड से डेटा कलेक्शन किया गया है, कौन से ना किस मेथड से डेटा कलेक्शन किया गया है, किस थियरी से डेटा कलेक्शन किया? ठीक है, ठीक है। तो यानी कि जो डेटा जो होते हैं वो कभी इंडिपेंडेंट एंटिटी नहीं होते, वो डिपेंड करते हैं। डेटा किस किस चीजों पर डिपेंड करते हैं हमने बताया, सबसे पहला चीज मेथड ऑफ कलेक्शन, मेथड ऑफ कलेक्शन के ऊपर डिपेंड करते हैं, और कॉन्टेक्स्ट किस कॉन्टेक्स्ट में उनका कलेक्शन हुआ है, और साथ में ये कहते हैं कि थियरी ऑफ कलेक्शन किस लिए कलेक्ट किए, मेथड ऑफ कलेक्शन और किस लिए किए, ये सारी चीजें जो होती हैं ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं कि डेटा। ठीक है, इतना बात समझ में आई सब? और यानी कि डेटा आर नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ द फिजिकल और सोशल कॉन्टेक्स्ट, द पर्सन इन्वॉल्व, द टाइम व्हेन बिहेवियर अकर्स, इन सब चीजों के ऊपर डिपेंडेंट। डेटा इस बात पर डिपेंड है कि कहाँ पे उसका डेटा का अक्रेंस हुआ था, चाहे उसका कोई फिजिकल या सोशल कॉन्टेक्स्ट क्या है डेटा का, कौन पर्सन इन्वॉल्व था उसको कलेक्ट करने, और कब उसको उसको क्या कहते हैं कि कब उस डेटा को कलेक्ट किया गया, ये सारी चीजें भी डिपेंड, इन सब चीजों पे डेटा का कलेक्शन डिपेंड करता है, इन सब चीजों पे भी डेटा का कलेक्शन डिपेंड करता है। यहाँ तक बात तो आपको क्लियर समझ आ गई? आगे हाँ ठीक है, वी हैव डिफरेंटली, हाँ वी बिहेव डिफरेंटली व्हेन वी, हाँ अब देखो क्या होता है कि जब हम अलग होते हैं और जब हम ग्रुप में होते हैं या जब हम घर में होते हैं या ऑफिस में होते हैं तो वहां पे हमारा बिहेवियर अलग होता है, जब वहां पे हमारा बिहेवियर अलग होता है तो इसलिए क्या कहते हैं कि वहां का डेटा कलेक्शन भी तो अलग ही होगा। ठीक है, वहां पे भी डेटा कलेक्शन का भी क्या होगा, अलग ही होगा। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है कि हम अपने पेरेंट के सामने बातचीत करने में हाँ या टीचर के सामने बातचीत करने में हेजिटेट कर सकते हैं, बट हाँ हाँ बट वेन यू आर बिग फ्रेंड्स, जब हम अपने दोस्तों के साथ में होते हैं तो नहीं हेजिटेट करते। तो यानी कि यही सच्चाई है कि हमें ये समझ में आना चाहिए कि डेटा का कलेक्शन जो होता है कुल कुल किन चीजों पे डिपेंड करता है, और किस कॉन्टेक्स्ट में डेटा को कलेक्ट किया गया है, किस कॉन्टेक्स्ट में नहीं किया गया है, हाँ कहाँ पे, द मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन यूज्ड। एंड अब देखो मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन क्या होता है, डेटा कलेक्शन के अलग अलग मेथड होते हैं, ये बहुत समय से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं डेटा कलेक्शन के मेथड कौन कौन से होते हैं, जैसे सर्वे के थ्रू डेटा कलेक्ट किया जा रहा है, इंटरव्यू के थ्रू किया जा रहा है, या एक्सपेरिमेंट के थ्रू किया जा रहा है, इन सब चीजों पर डिपेंड करता है। एंड द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द रेस्पॉन्डेंट्स सच एज इंडिविजुअल, या मतलब कि अब ये भी डिपेंड कर सकता है कि जो आपको डेटा कलेक्शन के जो रेस्पॉन्डेंट होते हैं वो अकेला रेस्पॉन्डेंट है, जो मतलब आंसर देने वाला है वो अकेला है, या ग्रुप में, या वो यंग है या ओल्ड है, या मेल है या फीमेल है, या रूरल है या अर्बन है, हाँ वो कहाँ का है, इन सब चीजों के ऊपर डिपेंड करता है, इन सब चीजों के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारा डेटा का क्वालिटी कैसा होगा, नेचर कैसा, हमारे डेटा का क्वालिटी कैसा होगा, नेचर कैसा होगा, मेथड के ऊपर भी डिपेंड करता है, सिचुएशन के ऊपर भी डिपेंड करता है, तो ये अलग अलग चीजें। ठीक है, तो कभी भी डेटा इंडिपेंडेंट एंटिटी नहीं हो सकता।
डेटा इंडिपेंडेंट एंटिटी नहीं। इट इज पॉसिबल दैट व्हेन यू इंटरव्यू अ स्टूडेंट सी और ही मे रिपोर्ट बिहेविंग अ पार्टिकुलर मैनर इन अ गिवन सिचुएशन। किसी भी अलग सिचुएशन वो अलग तरीके से बिहेव करेगा, ये हो। व्हेन यू गो फॉर एक्चुअल ऑब्जर्वेशन यू फाइंड जस्ट अपोजिट ऑफ व्हाट सी हैड रिपोर्टेड। कभी कभी एक्चुअली देखोगे तो वो हो सकता है कि जो उसने बताया उसका जस्ट उल्टा ही हो रहा होता है। हाँ, जस्ट उसका उल्टा ही हो रहा होता है। एंड द इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ द डेटा इज दैट इट डज नॉट इटसेल्फ स्पीक अबाउट रियल। तो देखो, डेटा कभी भी खुद रियलिटी के बारे में नहीं बताता, डेटा खुद रियलिटी के बारे में नहीं बताता, ये भी ध्यान रखना है। इन्फ्रेंसेस हैव टू बी मेड फ्रॉम द डेटा। हमें डेटा से उसका मतलब निकालना पड़ेगा, उसमें से हमें खुद समझना पड़ेगा कि ये किसके ऊपर इशारा कर रहा है, ठीक है। हमें डेटा खुद रियलिटी नहीं बताता, डेटा कभी भी खुद रियलिटी नहीं बताता, हमें खुद उससे मतलब निकालना पड़ता है कि डेटा में क्या क्या चीजें। अ रिसर्चर अटैचेस मीनिंग ऑफ द डेटा बाय प्लेसिंग इट इन प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट। तो रिसर्चर खुद क्या करते हैं कि मीनिंग ऑफ डेटा को समझता है। रिसर्चर क्या होता है, खुद मीनिंग ऑफ डेटा को समझता है, हाँ, किसी भी पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट। इतना बात समझ रहे हैं, यहाँ तक समझ में आ चुका होगा कि देखो डेटा पे चीजें हमें पता चल गई कि डेटा पे क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, हाँ, या नेचर ऑफ द डेटा समझ में आ गया। अब अगला आता है इन साइकोलॉजी डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा और इंफॉर्मेशन आर कलेक्टेड, सम ऑफ दीज टाइप्स आर। तो देखो डेटा के टाइप्स कौन कौन से आ गए यहाँ। डेटा के टाइप्स क्या क्या कहते हैं कि सबसे पहला आ गया डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन। डेमोग्राफिक का मतलब होता है पॉपुलेशन से रिलेटेड, कि यहाँ पे क्या करोगे, नेम, एज, जेंडर, बर्थ ऑर्डर, नंबर ऑफ सिबलिंग्स, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन, मैरिटल स्टेटस, नंबर ऑफ चिल्ड्रन, लोकलिटी ऑफ रेजिडेंस, कहाँ पे, मतलब कि पॉपुलेशन से रिलेटेड जो डेटा आप निकालते हो उसे डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन। कभी कभी आप फिजिकल इंफॉर्मेशन निकालते हो, फिजिकल इंफॉर्मेशन का मतलब हो गया कि एकोलॉजिकल कंडीशन कैसा है, मतलब पहाड़ पे रह रहे हैं, डेजर्ट में है या फॉरेस्ट में, मोड ऑफ इकोनॉमी क्या है, मतलब कि कैसे हो, क्या क्या चल रहा है वहां पे, किस चीज का व्यापार चलता है, किस चीज, हाउसिंग कंडीशंस या साइज ऑफ रूम, फैसिलिटीज, ये सारी चीजें, या स्कूल वगैरह, इन सब चीजों के बारे में होता है फिजिकल इंफॉर्मेशन। फिजियोलॉजिकल डेटा, फिजियोलॉजिकल डेटा मतलब होता है कि उस व्यक्ति की हाइट कितना है, उस व्यक्ति का वेट कितना है, हाँ, हार्ट रेट कितना चल रहा है, लेवल ऑफ फैटिक कितना है, हाँ, गैल्वेनिक स्किन रेजिस्टेंस, ये सारी चीजें हमें समझना है, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ ब्रेन कितना, मतलब ई ई, हाँ, इलेक्ट्रो इनसे इनसेफेलोग्राफ, हाँ, ये सारी चीजें आप देख सकते हो, ब्लड ऑक्सीजन लेवल वगैरह, ये सब आपको फिजियोग्राफिकल डेटा। साइकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन भी हो सकता है कि कितना परसेंट का इंटेलिजेंस वगैरह, क्या क्या चीजें, साइकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन दे सकता है कितना इंटेलिजेंस है, कितना पर्सनालिटी कैसा है, इंटरेस्ट वैल्यू क्या है, क्रिएटिविटी, इमोशन, मोटिवेशन, हाँ, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर कौन कौन से हैं, इल्यूजन्स हैं या नहीं है, डिल्यूजन है या नहीं, हाँ, हेलुसिनेशन वगैरह, इन सब चीजों के बारे में, पर्सनल जजमेंट वगैरह के बारे में ये बताता है। तो मतलब ऐसे डेटा के भी अलग अलग टाइप्स हो सकते हैं, वो कौन कौन से डेटा होंगे ये हम, ओके, यहाँ तक तो बात आपको क्लियर समझ में आ चुकी है, ठीक है। तो हाँ, टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन कुड बी फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ मेजरमेंट, सम व्हाट व्यू, इन सब चीजों को देख करके हमें समझ में आ जाता है कि हमें किसी भी डेटा में क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। इतना बात ठीक है, इतना तो समझ में आ ही चुका होगा। अब अगला आता है सम इम्पोर्टेंट मेथड्स इन साइकोलॉजी। अभी तक हमने जो पढ़ा कि क्या पढ़ा, कि वेराइटी ऑफ डेटा, हमने डेटा के वेराइटी को पढ़ा, हाँ, और हमने ये भी पढ़ा कि हाँ डेटा के वेराइटी को, ऑल्सो दीज वेराइटीज ऑफ डेटा कैन नॉट बी कलेक्टेड थ्रू सिंगल मेथड ऑफ इंक्वायरी। तो क्या ये जो तो डेटा होते हैं, क्या हम इनको एक मेथड ऑफ इंक्वायरी से कलेक्ट कर सकते हैं क्या, नहीं, ठीक है। तो जो हम डेटा कलेक्ट करते हैं वो सिंगल मेथड ऑफ इंक्वायरी से नहीं कलेक्ट, तो फिर क्या होगा, साइकोलॉजिस्ट यूज ऑफ वेराइटी ऑफ मेथड्स, बहुत सारे मेथड्स होंगे। तो यहाँ पे आप ध्यान रख लो कि साइकोलॉजी के जो मेथड्स ऑफ इंक्वायरी है वो कौन कौन से हैं। सबसे पहला है ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटल, कोरिलेशनल, सर्वे, साइकोलॉजिकल टेस्टिंग और केस स्टडी। ये पांचों मेथड समय है, पांच या छह जो मेथड थे ये पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहला मेथड है ऑब्जर्वेशन, सेकेंड मेथड है एक्सपेरिमेंटल, तीसरा मेथड है कोरिलेशनल, चौथा है सर्वे, पांचवा है साइकोलॉजिकल टेस्टिंग, छठा है केस स्टडी। ये छह मेथड्स हैं जो डेटा को कलेक्ट करने में सहायता करते हैं, ठीक है। ये छह मेथड्स हैं जो डेटा को कलेक्ट करने में सहायता, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमें समझना यही है कि
कौन कौन से रिसर्च पर्पज की वजह से और कैसे हमें डेटा को कलेक्ट करना है, ये अलग अलग मेथड। सबसे पहला, यू कैन ऑब्जर्व द बिहेवियर ऑफ स्पेक्टेटर्स वॉचिंग फुटबॉल मैच। जब हम क्या कहते हैं, फुटबॉल मैच देखने वाले लोगों को देख सकते हैं, उनका बिहेवियर देख सकते हैं। अब यू कैन कंडक्ट एन एक्सपेरिमेंट टू सी इफ चिल्ड्रन टेकिंग एन एग्जामिनेशन प्रूव टू बेटर इन क्लासरूम इन विच दे हैड स्टडी या एग्जामिनेशन हॉल। तो यानी कि हमें ये ध्यान में रखना है कि वो जिस बच्चे ने जिस क्लासरूम में पढ़ा है वहां पे अच्छे से काम कर पा रहा है या टेस्ट दे पा रहा है, या वो एग्जामिनेशन हॉल में अच्छे से टेस्ट दे पा रहा है, इन सब चीजों को भी हम समझ सकते हैं। यू कैन कोरिलेट इंटेलिजेंस विद सेल्फ एस्टीम। तो कभी कभी क्या होता है कि हाँ, या प्रडिक्शन पर भी, तो हम कभी कभी इंटेलिजेंस को सेल्फ एस्टीम के साथ में भी जोड़ सकते हैं उसके। हाँ ठीक है, हम इंटेलिजेंस को हम किसके साथ में जोड़ सकते हैं कि उसका सेल्फ एस्टीम कितना है, कितना है, ये सारी चीज। यू कैन सर्वे स्टूडेंट्स एटीट्यूड टुवर्ड द प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन। जो एजुकेशन का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है वहां पर भी स्टूडेंट के, तो मतलब अलग अलग हम टेस्ट या अलग अलग चीजें हम कर सकते हैं। तो बहुत सारे मेथड्स होते हैं, बहुत सारे मेथड्स हैं। जैसे हमने 5 मेथड्स पढ़े, उन 5ों मेथड्स के बारे में, 6 मेथड्स थे, 6 मेथड्स थे कि कहते हैं कि डेटा कलेक्शन के। तो सबसे पहला मेथड आ जाता है ऑब्जर्वेशनल मेथड। ठीक है, तो सबसे पहला मेथड है ये, क्या है, ऑब्जर्वेशनल मेथड। तो अब यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में शायद ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा या एक और वीडियो बना। ओके, तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको खूब बढ़िया से चीजें समझ रहे होंगी। जो भी नहीं समझ रहे होंगे कमेंट करके पूछ।